नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज जिले की सुराव स्थित गुरुदेव गेस्ट हाउस में बड़े ही धूमधाम से संविधान के प्रारूप दिवस पर डॉक्टर आम्बेडकर संघर्ष एकता मिशन कार्यक्रम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के द्वारा यह बताया गया कि मुनावादी सरकार भाजपा में लगातार दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के साथ रेप और हत्या की घटना बढ़ रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। SC ST OBC का आरक्षण निजी क्षेत्रों में लागू हो, इस पर जोर दिया गया। इस क्रम में डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष एकता मिशन के जिला अध्यक्ष अजय गौतम, नंदलाल वर्मा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, KD गौतम बुद्धिस्ट फाउंडेशन फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित पैंथर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राहुल अंबेडकर, राजेश गौतम, सदस्य कुसुम देवी, लक्ष्मी मीना देवी, अंजू देवी इत्यादि लोग मौजूद रहे। सोराव क्षेत्र के कई गांव जैसे माउमा, होलागढ़, भरिया, डोमन्यू जैसे कई गांव के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गौतम बुद्ध को माल्यार्पण कर उनके विचारों और रास्ते चलकर फिर से नई सोच एवं ऊर्जा का विकास संभव हो, इस पर चर्चाएं की गई। BCN न्यूज के लिए सोराव प्रयागराज से रवि चंद्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जानवरों से खेत पर रखवाली करने के दौरान चाचा भतीजा में हुआ विवाद, तो चाचा ने रिश्ते के भतीजे को गुस्से में भाला मार दिया, जिससे मौके पर ही भतीजे की मौत हो गई। चाचा हुआ मौके से फरार। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव हरिगंजपुर का है, जहां राम प्रवेश आवारा जानवरों से खेत पर रखवाली करने गए, जहां आवारा जानवरों को लेकर रिश्ते के चाचा से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्ते के चाचा ने भतीजे को भाला मार दिया, जिससे राम प्रवेश गंभीर घायल हो गया। परिजन शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। थाना नसीरपुर पुलिस मौके पर हॉस्पिटल नहीं आई, नहीं सिराजगंज CO मौके पर आए, शिकोहाबाद CO हॉस्पिटल आए। ये इनके परिजन ले गए आए, नाम राम प्रकाश बताया, लगभग 45 साल है। इनका कहीं खेत पर कोई झगड़ा हुआ था और हम लोगों ने एग्जामिन किया तो ये मृत अवस्था में पाए गए। घर वाले तो ये बता रहे हैं कि इनके सीने में बाईं तरफ एक घाव दिखाई दिया हम लोगों को, उसमें से काफ़ी सारा खून भी दिखा, लेकिन ये मृत अवस्था में हमारे यहाँ आए। मेरे पिताजी घर से आ रहे थे खाना खा के, और जो इन्होंने मेरे पिताजी की डेथ की है वो चौराहे पर दारू पी के खड़े थे बल्लम लेके, तो वे परेशान करते थे मेरे पिताजी को, तो उन्होंने आज बल्लम मार दी शाम को। ये लगभग एक घंटा पहले एक व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ CSC शिकोहाबाद में लाया गया था, जिसका नाम राम प्रवेश पुत्र पातिराम यादव है। ये जाति का, उम्र लगभग 45 वर्ष है, ग्राम हरगनपुर नसीरपुर का ये रहने वाला था। यहाँ पर जब लाया गया तो डॉक्टरों ने इसका उपचार के लिए इसको तैयारी की, तो इसको मृत अवस्था में पाया, डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के करहल में सपा MLC के गनर की मौत पर सियासत शुरू, हत्या का आरोप आत्महत्या है तो क्योंकि शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज सपा से निष्कासित विधायक हरिओम यादव, जो सपा संरक्षक की समाधि है, आज एक बार फिर सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को घेरने का एक जानदार मौका हाथ से नहीं जाने दिया। राष्ट्रीय महासचिव के भांजे MLC अरविंद यादव है, उनके गनर मिरेश यादव की गोली लगने से मौत को हत्या का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। सुने उनकी जुबानी। मेरा मानना है कि जो कांस्टेबल जो मरा है वो मैं उसे हत्या मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि आदमी यूं ही अपनी आंख बच्चे जान नहीं गंवा देता, या तो कोई उत्पीड़न होगा या ऐसी मान सम्मान की कोई बात होगी या कहीं उसे अंदर से कोई तकलीफ होगी, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आदमी आत्महत्या करता है। तो मैं उसे आत्महत्या इसलिए नहीं मानता हूँ कि उसकी डेड बॉडी के नीचे रिवॉल्वर कहाँ से आ गई, तो वो रिवॉल्वर किसकी है और वो कैसे उसके डेड बॉडी के नीचे पहुँची। तो इसमें मेरा मानना है कि निश्चित हत्या, क्योंकि जिनके साथ रह रहा था वो बड़े अपराधी और शराब माफिया हैं, और शराब माफिया बहुत सात्र होता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो ये निश्चित जिसके साथ रह रहा था ये गनर, उसने उसके भाई ने उसकी हत्या की, और क्योंकि हत्या करने वो संकोच नहीं करते, पहली हत्या नहीं है,
बहुत सी हत्याएं की है लेकिन कभी मुकदमे नहीं लिखे गए, बड़े शातिर तरीके से लोग हत्याएं करते हैं। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय युवा वाहिनी द्वारा FH मेडिकल कॉलेज के ईट मंडी पर आयोजित सम्मान समारोह। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के FH मेडिकल कॉलेज ईट मंडी के पास राष्ट्रीय युवा वाहिनी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एवं अल्पसंख्यक मोर्चा महिला मोर्चा द्वारा इस सम्मान समारोह में पदाधिकारियों को फूल माला एवं सम्मान पत्र देकर भव्य तरह से स्वागत किया गया। इस समारोह में टुंडला क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार, टुंडला थाना अध्यक्ष रामेंद्र शुक्ला, निंकुच शुक्ला, पिंकी चक, अजीत कुमार अग्रवाल, मंगल सिंह राठौड़, परवेश पार्षद दिनेश भरद्वाज, अमजोत सिंह, एडवोकेट मुकेश कुमार भरद्वाज, गौरव भरद्वाज, दलवीर सिंह बघेल, श्रीकांत उपाध्याय, प्रमोद कुमार गर्ग, राजेश कुमार शर्मा, तरुण कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा आदि अल्पसंख्यक मोर्चा एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम जनता को संदेश देना चाहेंगे, पूरी जनता इसी तरीके से आपस में पुलिस और परिवार के साथ मिलकर एक साथ काम करे और हर जनता को, हर व्यक्ति को भयमुक्त समाज की स्थापना करे। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित निरंकारी मिशन चैरिटेबल में आज पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि मेरठ रोड स्थित संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल में समय समय पर यह संस्था गरीब असहाय लोगों के लिए मानव शरीर में बीमारियों की जांच निशुल्क की जाती है। ऐसे क्रम में सदर विधायक विजय पाल आढ़ाती ने पौधारोपण के कार्यक्रम में भाग लिया। पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य वातावरण को बचाना, वायुमंडल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र चिटकारा ने बताया कि आज हापुड़ विधायक विजय पाल आढ़ाती के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया और हमारी संस्था समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करती रहती है और वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हर प्रयास करती रहती है। मैं सुभाष चंद्र चटकारा, प्रवक्ता संत निरंकारी मंडल हापुड़ ब्रांच की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। संत निरंकारी मिशन एक पूर्णतया आध्यात्मिक संस्था है जिसके पूरे विश्व में शाखाएं हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम जो वृक्षारोपण का है, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे बीच में हमारे विधायक जी उपलब्ध हैं सासंगत और उनके कर कमलों से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। संत निरंकारी मिशन जहाँ विश्व कल्याण में, मानवता के कल्याण में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। जनपद महोबा में कबरे विकास खंड के बीला दीक्षित में आयोजित हुआ 7 दिवसीय NSS शिविर। आपको बता दें कबरे विकास खंड के बीला दीक्षित गांव में रोशन सिंह, बदन सिंह, गायत्री सतोत्कर महाविद्यालय के तत्वाधान में 7 दिवसीय NSS आयोजन किया गया। महोबा में कबरे विकास खंड की बीला दक्षिण में आयोजित हुआ 7 दिवसीय NSS शिविर। आपको बता दें कि पहले दिन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के विषय पर संगोष्ठी की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परियोजना निदेशक दिग्विजय पांडे महोबा ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महाविद्यालय के प्रबंधक अरविंद कछवाहा ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया। वहीं महाविद्यालय के अक्षय रामा नारायण सिंह ने बताया कि वैदिक काल में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था, जिससे विश्व में भारत जगतगुरु था। NSS छात्रा आरती ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तो वही छात्र प्रशांत शुक्ला, शिवांगी शर्मा, रोशनी, प्रभा चौरसिया आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर NSS कार्यक्रम अधिकारी सतीश पाल समेत प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान सिंह व समस्त स्टाफ मौजूद रहे। ये ऐसा कार्यक्रम है कि जो पिछले हम जनरेशन की बात करी जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो जो महिलाएं आर्थिक रूप से कैसे उठ रही हैं और प्राचीन समय में वो कैसी स्थिति रखती थी और वर्तमान समय में उनकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है, उसको देख के लिया गया है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सही रही है, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी कुछ गिरावटें आई हैं। जब से मुगल आए थे उसके कारण अभी वर्तमान समय में उनको किस प्रकार उठाया जाए उसके विषय में चल रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें उनकी सशक्तिकरण या उनकी शिक्षा, उनको सेल्फ डिफेंस के जितने भी कार्यक्रम चला जा रहा है उनके विषय में ज्ञान हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम ये हमारी छात्राओं छात्र छात्राओं में जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
इसके अंतर्गत यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं जिनमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों के विषय में बताया जाता है। आज पहला कार्यक्रम था, पहला दिवस है इसका कार्यक्रम का, और इसमें जो है महिला सशक्तिकरण के विषय में बच्चों को बताया। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एक बार पुलिस की दबंगाई फिर देखने को मिली, जहां पुलिस के दरोगा और कांस्टेबल ने बीजेपी जिला महामंत्री को जमकर मारपीट कर दी। घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में पुलिस के खिलाफ काफी रोष बना हुआ है। पूरा मामला है थाना जसराना क्षेत्र का। आरोप है थाना जसराना SI सबीर अली और कांस्टेबल उमा शंकर ने गाली गलौज करते हुए बीजेपी के महामंत्री राधा कृष्ण को जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, थाना कोतवाल के सामने भी लात घूसों से पिटाई की, जिसको लेकर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश बना हुआ है और आरोपी दरोगा और सिपाही को कड़ी सजा की मांग की है। बताया जाता है कि बीजेपी नेता ने दरोगा सबीर अली से एक केस में कार्रवाई के बारे में पूछा था, इसी बात को लेकर मारपीट की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री राधा किशन यादव जी आज अपने गांव में ही थे। एक पुराना एक मामला चल रहा है भगेल समाज का, जिसमें एक की जो निर्दोष है उनकी मदद कर रहे हैं, और वो जानकारी हम लोगों को भी, सांसद जी को भी है और जिले की तमाम पदाधिकारी भी है। तो उस मामले को लेकर थाने से SI साबिर अली और कांस्टेबल उमाशंकर थाने से पहुँचते हैं गाँव में। तो बातचीत करके तो उन्होंने पूछा कि SI साहब, दरोगा जी, क्या मामला चल रहा है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। ये पूरा प्रकरण थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद का है। यहाँ पर आज सायं ये सूचना मिली कि एक निर्दोष युवक के साथ थाना जसराना के दो पुलिसकर्मियों, एक उपनिरीक्षक व एक आरक्षी के द्वारा न केवल अभद्रता की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई, ऐसी शिकायत मिली। इसको तुरंत संज्ञान में लिया गया, थाना प्रभारी से इसकी रिपोर्ट तलब की गई और उस रिपोर्ट के आधार पे तत्काल प्रभाव से इन दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सौंपी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर, सत्यता के आधार पर इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।